हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी मैट्रिक्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें तीन मैट्रिक्स गिवन है, ए बी और सी। हमें फाइंड करना है ए प्लस बी। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए प्लस बी, सिंपल ऐड कर देना है दोनों मैट्रिक्स को, 2, 4, 3, 2, 1, 3, -2, 5। अब ऐड करेंगे तो 2 और 1, 3, 4 और 3, 7, 3 और -2, 1 और 5 और 2, 7। सिंपल ऐड कर दिया, 2 और 1, 3, 4 और 3, 7, 3 -2, 1, 2+5, 7। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, क्या है बच्चों, ए माइनस बी, दोनों को माइनस करना है। तो 2, 4, 3, 2 -B हमें दिया हुआ है 1, 3, -2, 5। 2 में से 1 गए 1, 4 में से 3 गए 1, 3 में से -2 गए 5 और 2 में से 5 गए 3। तो ये हमारे दो पार्ट हुए। देखते हैं तीसरा पार्ट। तो थर्ड पार्ट आप देखें तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 3a-c। तो आप पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, किसमें, a में। तो 3a का मतलब कितना हो जाएगा, हर एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6। अब माइनस करें दोनों को, 6 12 9 6, और c आपके पास है -2 5 3 4। 6 में से -2 गए 8, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए 6 और 6 में से 4 गए 2। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। देखते हैं फोर्थ पार्ट, ए बी। ए कितना है, 2, 4, 3, 2, और बी पार्ट कितना है, 1, 3, -2, 5। क्या इन दोनों के मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसकी ऑर्डर 2/2 है, तो इसकी भी 2/2। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। करते हैं मल्टीप्लाई, 2 × 1, 2, 4 × 2, 8। अब इसी रो की अगले कॉलम में 2 × 3, 6, 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है बच्चों, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1, 3, 2 × 2, 4, 3 × 3, 9 और 5 × 2, 10। सिंपल ऐड कर देते हैं, -6, 26, -1 और 19। सिंपल है। अब आते हैं किस कौन से पार्ट पर, फिफ्थ पार्ट पर, BA हमें करना है, BA फिफ्थ पार्ट है। B कितना है, 1, 3, -2, 5 और A 2, 4, 3, 2, 1 × 2, 2, 3 × 3, 9, 1 × 4, 4, 3 × 2, 6, -2 × 2, -4, 5 × 3, 15, -2 × 4, -8, 5 × 2, 10। बस आपको ध्यान रखना है रो की कॉलम वाइज आपको मल्टीप्लाई करनी है। सो 1 × 2 तो 2, 3 × 3, 9, 1 × 4, 4, 3 × 2, 6, -2 × 2, 4, 5 × 3, 15, -2 × 4, 8 and 5 × 2, 10। सिंपल मल्टीप्लाई, 9 और 2, 11, 6 और 4, 10, 15 में से 4 गए 11 एंड 2। तो ये हमारा हो गया बच्चों फर्स्ट पार्ट। देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, तो सेकंड पार्ट हमारा बोल रहा है, सेकंड पार्ट का भी फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कहता है। हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, सिंपल, ए बी माइनस बी ए। दूसरा मैट्रिक्स गिवन है, ए बी बी ए,
सिंपल ऐड करना है। तो ए और ए 2a, बी और बी 2b, माइनस बी और बी 0 और ये 2a। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। तो सेकंड पार्ट हमें दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐड करना है 2ab, 2bc, 2ac और 2ab। अब ऐड कर दो इनको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ऐसे इसका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ऐसे इसका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2as, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है, और ये क्या है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा a माइनस सी या c माइनस a, किसी का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, माइनस वन एट टू फोर फाइव एट माइनस सिक्स सिक्सटीन एंड फाइव। दूसरा मैट्रिक्स है 12 एट थ्री सेवन जीरो टू सिक्स फाइव फोर। ठीक है भाई, सिंपल दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 12 और माइनस वन कितने हो गए, 11। 7 और 4 कितने हो गए, 11। 6 और माइनस सिक्स 0। 8 और 8 16। 5 21। 3 और 2 5। 8 और 2 10 एंड 9। तो ये हमारा हो गया बच्चों थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। सिंपल है, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। तो हमें फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, तो फोर्थ पार्ट में हमें कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स, यह हमें दिया हुआ। सिंपल हमें ऐड करना है। तो अगर हम ऐड करें तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे दूसरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। आपको आइडेंटिटी याद आ रही होगी क्लास टेंथ की, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, 1, 1 और 1। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हमें थर्ड के सिक्स पार्ट दिए हुए हैं, एक पार्ट करके देखते हैं। ए बी माइनस बी और ए, ए माइनस बी, बी और ए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट भी मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 2, 3, 4, ये हमारे पास है। अब मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल। पहले आप चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। इसकी ऑर्डर 2 by 2, तो इसकी भी 2 by 2, दोनों की रो और कॉलम आपको सेम दिखाई दे रही है। मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए, ए स्क्वायर, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, ए इंटू बी माइनस ए बी, बी इंटू ए, ए बी माइनस बी इंटू ए, ए बी प्लस ए बी, बी स्क्वायर प्लस। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला पार्ट देखते हैं,
क्या इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है? तो हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें आपको एक दो तीन, तीन रो और एक आपको कॉलम है, जबकि इसमें वन रो और ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है। तो वन इंटू टू टू, वन इंटू थ्री थ्री, वन इंटू फोर फोर, टू इंटू टू फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू इंटू फोर एट, थ्री इंटू टू सिक्स, थ्री इंटू थ्री नाइन और थ्री इंटू फोर ट्वेल्व। तो मैट्रिक्स आ गया हमारा। तो ये हमारा क्या था, सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। नोट करते रहें आप एक बार, थर्ड को अपने आप से भी कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का, तो आप कर सकते हैं आराम से। तो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, वन माइनस टू टू थ्री, वन टू थ्री टू थ्री वन। सिंपल है, मल्टीप्लाई है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो वन इंटू वन प्लस माइनस टू इंटू टू, फिर वन इंटू टू एंड माइनस टू इंटू थ्री, फिर वन इंटू थ्री एंड माइनस टू इंटू वन। कोई दिक्कत? अब इसमें टू इंटू वन एंड थ्री इंटू टू, टू इंटू टू थ्री इंटू थ्री एंड टू इंटू थ्री एंड थ्री इंटू वन। तो वन माइनस फोर, टू माइनस सिक्स, थ्री माइनस टू, टू प्लस सिक्स, फोर प्लस नाइन, सिक्स प्लस थ्री। तो सिंपल आ जाएगा, फोर में से वन गए, माइनस थ्री माइनस फोर वन, सिक्स और टू एट, थर्टीन एंड नाइन। तो ये सिंपल हमारा थर्ड पार्ट हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, सिंपल हमें मल्टीप्लाई करनी है। टू इंटू वन टू, थ्री इंटू जीरो फोर इंटू थ्री। सिंपल रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करनी है। अब टू इंटू माइनस थ्री, थ्री इंटू ये जो है ना, टू इंटू हमारे पास क्या है, रो की हमें किस में करनी है बच्चों, कॉलम में करनी है। तो टू इंटू माइनस थ्री, थ्री इंटू टू एंड फोर इंटू ज़ीरो। नेक्स्ट कॉलम की ओर बढ़ रहे हैं, टू इंटू फाइव, थ्री इंटू फोर एंड फोर इंटू फाइव। सिंपल आगे बढ़ते हैं, थ्री इंटू वन, फोर इंटू ज़ीरो एंड फाइव इंटू कितना हो जाएगा, थ्री। नेक्स्ट है थ्री इंटू माइनस थ्री, फोर इंटू टू एंड फाइव इंटू ज़ीरो। नेक्स्ट है थ्री इंटू फाइव, फोर इंटू फोर एंड फाइव इंटू फाइव। अब वन इंटू फोर, फाइव इंटू ज़ीरो, सिक्स इंटू थ्री। नेक्स्ट हमारा है फोर इंटू माइनस थ्री, फाइव इंटू टू, सिक्स इंटू ज़ीरो। फोर इंटू फाइव, फाइव इंटू फोर, सिक्स इंटू फाइव। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टू इंटू वन टू प्लस ज़ीरो प्लस ट्वेल्व। अब यहाँ पर आएगा माइनस सिक्स प्लस सिक्स, ये हो जाएगा टेन प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी, ये हो जाएगा थ्री प्लस फिफ्टीन माइनस नाइन और ये हो गया एट। ये हो जाएगा फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव, ये हो गया फोर प्लस एटीन, ये हो गया माइनस ट्वेल्व प्लस टेन और ये हो जाएगा फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी। अब सिंपल आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ट्वेल्व और टू कितना हो गया बच्चों, फोर्टीन। और ये हमारा ज़ीरो ही आ गया क्योंकि यहाँ पर टू इंटू थ्री भी सिक्स थे, थ्री इंटू टू भी सिक्स थे। ये कितना हो गया, तो ट्वेंटी
वो 10, 30 और 30 और 42, आगे 15 और 13, 3 हो गया 18, माइनस 1, 25 और 15, 40 और 16, 56, 22, माइनस 2 एंड 70. सिंपल मल्टीप्लाई है, एक बार आप एडिशन आराम से चेक कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या कह रहा है. इसी का अगला पार्ट है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ. तो फिफ्थ पार्ट बोल रहा है 2, 1, 3, 2, -1, 1, 1, 0, 1, -1, 2, 1, और इसी का सिक्स पार्ट है 3, -1, 3, -1, 0, 2, 2, -3, 1, 0, 3, 1. ये सिंपल, हमें क्या करनी है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है. आसानी से आप कर सकते हैं, ऑर्डर आप एक बार चेक करना चाहें तो कर सकते हैं. ये आपकी कितनी है, 3/2 है और वो आपका 2/3 है. तो 2 × 1, 2, 1 × -1, -1, 2 × 0, 0, 1 × 2, 2, 2 × 1, 2, ये हो गया 1, 3 × 1, 3, -2, 0, 4. बस इस रो की इन तीनों कॉलम में करते चले जा रहे हैं. तो 3 × 1, 3, 2 × 1, 2, -1 × 1, -1, 1 × -1, -1, 0 + 2, -1, +1. सिंपल ऐड कर दीजिए, 2 में से 1 गए, 1, 2, 3, 1, 4, 5, -2, 2, 0. ठीक है बच्चों, एक बार इसको ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, फिर देखते हैं. आसान सा है, 3 × 2, 6, -1 × 1, -1, 3 × 3, 9. ठीक है, अब 3 × -3, -9, +0, +3, -1 × 2, -2, 0, 3 × 2 = 6, 3, 0, 2. तो 9 और 6, 15 में से 1 गए, 14, माइनस के 6, 4, 5. तो ये हमारा थर्ड पार्ट, वो सिक्स पार्ट कंप्लीट होता है. देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. तो क्या कह रहा है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन. तो हमें सबसे पहले इसमें a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी. तो 3 और 1, 4, 2 और -1 हमारा हो जाएगा 1, 3 और 2, 5, 5 और 4, 9, 0 और 2, 2, 5 और 2, 7, 3, -1 and 4. ठीक है, अब हमें निकालना है b माइनस सी. तो 3 में से 4 गए, -1, -1 में से 1 गया, तो क्या हो जाएगा, -2, 0. 4 में से 0 गए, 4, -1, 3. 2 में से 1 गए, 1, 2, 0. अब हमें वेरीफाई करना है, तो मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ. हमें निकालना है a प्लस बी माइनस सी, यानी कि b माइनस सी में हम a को ऐड कर रहे हैं. करते हैं ऐड, a कितना है, 1, 2, 3, 5, 0, 2, 1, -1, 1, और b माइनस सी है -1, -2, 0, 4, -1, 3, 1, 2, 0. तो ये आ जाएगा, 1 में से माइनस 1 गए, 0, 0, 3, 9, -1, 5, 2, 1, 1. अब हमें क्या करना है, इसका दूसरा पार्ट लेना, जिसमें है a प्लस बी में माइनस करना है c को. ठीक है भाई, कर देते हैं, ये हमारी RHS हो गई. a प्लस बी कितना है, दिस 4, 1, 5, 9, 2, 7, 3, -1, 4.
और सी हमारे पास है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। माइनस करते हैं, 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 9 में से 0 गए 9, 2 में से 3 गए -1 5, 3 में से 1 गए 2, -1 में से 2 गए 1 एंड 1। तो ये दोनों पार्ट हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए, यानी कि ये पार्ट हमारा क्या होता है, वेरीफाई होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें हमें ए दिया हुआ है 2 by 3 1 5 by 3 1 by 3 2 by 3 4 by 3 7 by 3 2 2 by 3। हमें बी भी दिया हुआ है 2 by 5 3 by 5 1 1 by 5 2 by 5 4 by 5 7 by 5 6 by 5 and 2 by 5, और हमें निकालना है 3a-5b। सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स में सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर दें आसानी से। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2 3 5 1 2 4 7 6 and 2। इसमें आप मल्टीप्लाई करें 5 से तो आएगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2। दोनों बिल्कुल सेम है, मैट्रिक्स हैं, तो आ जाएगा 2 में से 2 गया 0 0 0 1 सॉरी 0 0 0। सभी एलिमेंट क्या हो गए, 0 0 आ गया, तो हमारा 0 मैट्रिक्स आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बच्चों, तो हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा, ये दिया हुआ है। सिंपल, पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, माइनस का कोस थीटा साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे साइन इंटू साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, साइन इंटू कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ऐड कर सकते हैं आसानी से, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो दोनों माइनस से हैं कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आपको पता है, ये 1 0 0 1। सिंपल, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें एक्स और वाई को फाइंड करना है, हमें x और y निकालने हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, x प्लस y फर्स्ट पार्ट है इसका, वो हमें गिवन है 7 0 2 5, और दूसरा हमें दिया हुआ है x माइनस y 3 0 0 3। सिंपल है, आप दोनों को आसानी से ऐड कर सकते हैं। आपने जब दोनों को ऐड किया तो y में से y कट जाएगा, दोनों को ऐड करें और x और x हो जाएगा 2x, 7 और 3 10 0 2 8। आप हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दें तो यह आएगा 5 0 1 4। आप चाहें तो आप इसकी वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं, तो y आ जाएगा 7 0 2 5 minus 5 0 1 and 4। तो 7 में से 5 गए 2 0 1 and
वन। सिंपल सा था, दोनों को हमने क्या करा, पहले ऐड किया तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स हो गया टू एक्स, सेवन और थ्री टेन, जीरो जीरो जीरो, टू और जीरो टू, फाइव और थ्री एट, सभी को टू से डिवाइड कर दिया। अब इसकी वैल्यू रख दी, दोनों को माइनस किया, सेवन में से फाइव गए, कितना बचा टू, जीरो में से जीरो जीरो, टू माइनस वन वन, फाइव फोर वन। देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, हमें 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y हमें गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले एलिमिनेशन मेथड से, बच्चों एलिमिनेशन मेथड से हम इन दोनों में से किसी एक को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं x या y को। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 3, तो मैं इसे क्या बना सकता हूँ 6, और इसे भी क्या बना सकता हूँ 6। तो ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 टू सा इस पर मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन में 3 से, तो 6x प्लस 9y, 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9, 3 फोर ज़ा 12, 3 इंटू 0, 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 थ्री ज़ा 6x, 4y, 4 माइनस 4 माइनस 2 एंड 10। दोनों को अगर माइनस करें तो 6x से 6x क्या हो जाएगा कैंसिल, और 9 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 5y, 6 में से 4 गए 2, 9 में से माइनस 4 गए 13, 12 में से माइनस 2 गए 14 एंड माइनस 10। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2 by 5, 13 by 5, 14 by 5 एंड माइनस 2। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, सपोज करो मैं पहली इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 3, 3 से सभी में मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 13 कितना हो गया 3 टू ज़ा 6, 13 9 बाय 5, और ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 3, 42 बाय 5 माइनस 6 इजिकल टू में है 2340। तो हमने करा क्या, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 3 टू ज़ा 6, 13 इंटू 3 39, 14 3 ज़ा 42, 14 3 ज़ा 42 एंड 3 टू ज़ा माइनस 6। उसको उधर भेज देते हैं 2x, 2, 3, 4, 0, माइनस 6 by 5, 39 by 5, 42 by 5 एंड माइनस 6। पहले में से माइनस किया तो 2 माइनस 6 by 5, 3 माइनस 39 by 5, 4 माइनस 42 by 5 एंड 0 माइनस माइनस 6। तो कितना आ जाएगा 5 टू ज़ा 10, 10 में से 6 गए 4 बाई 5, 5 थ्री ज़ा 15, 15 में 39 में से 15 गए 24, 5 फोर ज़ा 20, 20 में से 42 में से 22 गए तो बोस 42 में से 20 गए तो माइनस के 22 और 6। पूरी इक्वेशन को 2 से पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड कर दिया, कितने से 2 से, तो 2 बाई 5, 12 बाई 5, 11 बाई 5 एंड 3। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों x। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट हमें y दिया हुआ है, 8 क्वेश्चन है, तो हमसे x की वैल्यू पूछी है, हमें y गिवन है, y है हमारे पास 3, 2, 1, 4, और हमें 2x प्लस y, 2x प्लस y इज इक्वल टू 1, 0, माइनस 3, 2। तो y की वैल्यू रख देते हैं, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, कर देते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 1, 0, माइनस 3, 2, 3, 2, 1, 4, तो कितना आ गया, 1 में से 3 गए कितना बचेगा माइनस 2, 0 में से 2 गए कितना बचेगा माइनस 2, माइनस 3 और 1 हो गए माइनस 4 एंड माइनस 2। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर दो माइनस 1, यानी 2 से हर एलिमेंट को क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा हो गया 8th पार्ट, यानी कि अब कर रहे हैं 9th क्वेश्चन। तो बच्चों देखो 9th में क्या कह रहा है, आसानी से आप कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है,
और एडिशन करके आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप दो से मल्टीप्लाई करें, तो टू, टू थ्री जा सिक्स, जीरो टू एक्स। ठीक है भाई, दो से तीनों में मल्टीप्लाई कर दी। अब ऐसे इसमें कर देते हैं, हमारे पास अब वाई जीरो वन एंड टू, फाइव सिक्स वन एट, दोनों को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो टू प्लस वाई सिक्स जीरो टू एक्स प्लस टू फाइव सिक्स वन एट। ठीक है, यहाँ पर वन रह गया, जीरो प्लस वन टू एक्स प्लस टू टू, टू प्लस वाई सिक्स प्लस जीरो, ये कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। टू प्लस वाई फाइव के इक्वल है, तो वाई की वैल्यू आ गई थ्री। टू एक्स प्लस टू किसके इक्वल है, एट के, तो टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, थ्री। तो दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई है, एक्स और वाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी ओर देख लेते हैं। टेंथ है हमारे पास, सॉरी टेंथ, टू एक्स जेड वाई टी, थ्री वन माइनस वन जीरो टू, थ्री फाइव फोर सिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, टू इंटू एक्स टू एक्स टू जेड, टू इंटू वाई टू वाई, टू इंटू टी टू टी। तो ये दिया हो तो आप क्या करते हैं, थ्री से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्री इंटू वन थ्री, माइनस थ्री जीरो सिक्स, थ्री थ्री जन नाइन फिफ्टीन ट्वेल्व एंड 18। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करें, सिंपल इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2 बाई 2t प्लस 6, 9, 15, 12। अब आप इन दोनों को माइनस कर लें आराम से, सॉरी इक्वेट कर लें, तो 2x इज इक्वल टू 3, 9 में से 3 गए 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। इसको कंपेयर करें, 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, 2z इज इक्वल टू 15 और 3 हो जाएगा 18, यानी कि 9। इनको कंपेयर करें, 2y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू आ गई 6, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, 18 में से 6 12 और t की वैल्यू आ गई 6। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टेंथ के तीन वैल्यू आ गई, x की आ गई, y की आ गई, z की आ गई और t की आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इलेवेंथ। इलेवेंथ में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आप x की मल्टीप्लाई करें, तो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एक्स टू एक्स, थ्री थ्री एक्स। ऐसे y की मल्टीप्लाई कर दें, माइनस वाई एंड y इज इक्वल टू टेन फाइव, ऐड कर सकते हैं, तो 2x माइनस वाई थ्री एक्स प्लस वाई। आसानी से आप कंपेयर कर सकते हैं, इसको इससे कंपेयर किया तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों को ऐड कर दें, तो y से y कैंसिल, 3 और 2 हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब आप क्या करें, इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में जिसमें आपका मन करे। तो ये हो जाएगा 3 टू जा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4। चाहे तो आप इसमें कर सकते हैं, सेम चीज आएगी। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी कि 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3
एक्स वाई जेड डब्लू, एक्स वाई जेड डब्लू ये हमें दिया हुआ है। इक्वल में हमें दिया हुआ है एक्स सिक्स माइनस वन टू डब्लू प्लस फोर एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्लू थ्री। हमसे x, y और z एंड w की वैल्यू पूछी है तो क्या कर सकते हैं, पहले सिंपल मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू एक्स, 3x, 3y, 3z, 3w। अब आप इनको ऐड कर सकते हैं तो कितना आएगा, x प्लस फोर, 6 प्लस x प्लस y, z प्लस w माइनस वन, 3 प्लस 2w। अब आप कंपेयर कर लें आसानी से, तो 3x इज इक्वल टू x प्लस फोर तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लें, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y तो 3y में से y गए 2y। आप चाहो तो x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो कितनी हो जाएगी 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आप इसको कंपेयर कर लेते हैं, 3z इज इक्वल टू z प्लस w माइनस 1, 3z में से z गए 2z इज इक्वल टू w माइनस 1, यहीं छोड़ देते हैं इसको। कंपेयर अब अगला करते हैं, 3w इज इक्वल टू 3 प्लस 2w, 3w में से 2w गए तो w, तो w की वैल्यू भी आ गई, इसे यहां रख दो, 2z 3 माइनस 1 हो गए 2 तो z की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 2 यानी कि 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है f ऑफ x f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y, तो सबसे पहले f ऑफ y निकालते हैं, ठीक है भाई, f ऑफ y, तो f ऑफ y कितना होगा, cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 1। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों की, देखते हैं मल्टीप्लाई, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कोस एक्स जीरो 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 वन। अब एफ ऑफ वाई का नंबर आया, कोस वाई साइन वाई जीरो साइन वाई कोस वाई जीरो 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 वन, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करते हैं रो की कॉलम वाइज, कोस एक्स की कोस वाई में, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है भाई। अब इसकी करते हैं, माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई, इसका नंबर आया कोस एक्स की जीरो साइन एक्स की जीरो जीरो इंटू वन जीरो। सेकेंड रो का करते हैं, साइन एक्स की कोस वाई में, साइन एक्स की कोस वाई में कोस एक्स की साइन वाई, ठीक है भाई। अब साइन एक्स की माइनस साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स कोस वाई, इसके मल्टीप्लाई करिए, साइन एक्स की जीरो कोस एक्स की जीरो में जीरो की वन में, तो क्या आएगा जीरो, जीरो इंटू कोस वाई जीरो, जीरो इंटू साइन वाई जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू साइन वाई जीरो, जीरो इंटू कोस वाई जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन। अब देखिए आप फॉर्मूले आपको बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इट्स कोस ए प्लस बी, ठीक है। अब इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, और ये अपना जीरो है। अब इसमें देखें क्या फॉर्मूला है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, इसमें भी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी यानी कि कोस यहाँ माइनस रह गया कोस ए प्लस बी, यहाँ जीरो 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 वन, ठीक है भाई।
पुअर, इसमें अगर मैं x की जगह x प्लस वाई रख दूँ तो सेम वही आएगा, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ f ऑफ x प्लस वाई। तो ये हमारा 13th क्वेश्चन था, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमें दिखाना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। देखते हैं, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 5 - 1 = 6 - 7 - 2 - 1 = 3 - 4 मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, 5 × 2 = 10 - 1 × 3 - 3 5 × 1 = 5 - 1 × 4 - 4 6 × 2 = 12 7 × 3 = 21 6 × 1 = 6 और 7 × 4 = 28 तो कितना आ गया, 10 में से 3 गए 7, 1, 33 एंड 34। ठीक है भैया, अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, 2, 1, 3, 4 5 - 1 = 6, 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, 5 = 10 1 × 6 = 6 2 × भाई इस रो की इस कॉलम में कर दी, ये आ गया। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है 2 × -1 और 1 × 7 3, 5 = 15 4, 6 = 24 3 - 1 = 3 7, 4 = 28 तो कितना आ गया, 16 5 or 4 यानी कि 39 और 25 तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हमने इसको शो कर दिया है कि भाई ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि आपको सिंपल दो मैट्रिक्स दिए हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन आपको दिखानी है, 1, 2, 3 0, 1, 0 1, 1, 0 अगला हमें दिया हुआ है -1, 1, 0 0, -1, 1 2, 3, 4 is not equal to -1, 1, 0 0, -1, 1 2, 3, 4 1, 2, 3 0, 1, 0 1, 1, 0 ये हमारे पास है। अब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1, 1 × -1 - 1 2 × 0 0 3 × 2 = 6 तो पहला कंप्लीट हो गया, दूसरे में करते हैं 1 × 1 1 2 × -1 - 2 3 × 3 = 9 1 × 0 0 2 × 1 2 और 3 × 4 = 12 ठीक है भाई। अब इसका नंबर आया 0 × -1 0 0 0 अब 0 × 1 0 1 × -1 - 1 0 0 × 0 0 1 × 1 1 0 × 4 0 अब हमारे पास आता है 1 × -1 - 1 1 × 0 0 0 × 2 0 अब देखते हैं 1 × 1 1 - 1 0 फिर 1 × 0 0 1 × 1 1 तो ये कितना आ गया 5 9 और एक 10 10 में से 2 गए 8 एंड 14 0 - 1 1 - 1 0 1 अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं -1 × 1 - 1 1 × 0 0 0 × 1 0
तो ये पूरा हो गया, माइनस वन इंटू टू माइनस टू, वन इंटू वन वन, जीरो इंटू वन जीरो। फिर देखते हैं माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, माइनस वन इंटू जीरो, वन इंटू वन वन। ऐसे इसमें जीरो इंटू टू जीरो, माइनस वन इंटू वन माइनस वन एंड प्लस वन, जीरो इंटू थ्री जीरो, माइनस वन इंटू जीरो जीरो, तो ये पूरा क्या आ गया जीरो। टू इंटू वन टू, थ्री इंटू जीरो जीरो, फोर इंटू वन फोर, टू टू जा फोर प्लस थ्री प्लस फोर सिक्स। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री, वन जीरो जीरो सिक्स, और फोर कितने हो गए टेन, फोर फोर हो गए एट, और थ्री एलेवन। तो ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स डिफर हैं, तो ये भी हमारा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है, फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई, और ए हमारे पास है टू जीरो वन टू वन थ्री वन माइनस वन जीरो, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है भाई, अब हम ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई को हम देखते हैं। ठीक है भाई, तो हमारे पास सबसे पहले है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। ठीक है, ए इंटू ए करते हैं, टू जीरो वन टू वन थ्री वन माइनस वन जीरो, मल्टीप्लाई करी, टू इंटू टू फोर, टू इंटू टू फोर, जीरो इंटू टू जीरो, वन इंटू वन वन। ठीक है बच्चों, टू इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, टू इंटू वन टू, जीरो इंटू थ्री जीरो, वन इंटू जीरो जीरो। अब आते हैं हम इसके अगले में मल्टीप्लाई करने में, टू टू ज़ा फोर, वन इंटू टू टू प्लस थ्री, टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो, वन इंटू वन वन, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, टू इंटू वन टू, वन इंटू थ्री थ्री प्लस ज़ीरो, वन इंटू टू टू माइनस टू ज़ीरो, वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन जीरो, वन इंटू वन वन, माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री। तो ये आ गया फाइव माइनस वन टू, फोर और टू सिक्स और थ्री नाइन, माइनस टू फाइव जीरो, माइनस वन माइनस टू। तो ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। अब हम वैल्यू इसमें रख देते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी जो हमें निकालनी है, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई। ठीक है भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, फाइव माइनस वन टू, नाइन माइनस टू फाइव, जीरो माइनस वन माइनस टू, ये हमारे पास आ गया। अब हम किसकी वैल्यू रख सकते हैं बच्चों, ए की, लेकिन मैं पाँच से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ पहले, माइनस पाँच से, क्योंकि हमें माइनस पाँच से पूरे में मैंने ऐसे क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, करते हैं माइनस पाँच से मल्टीप्लाई, तो माइनस टेन। ठीक है, कितना आ गया माइनस टेन। अब हमारे पास माइनस की इसमें करी कितना है जीरो, माइनस फाइव, ठीक है माइनस टेन माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन माइनस फाइव प्लस फाइव जीरो, सिक्स जीरो 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 सिक्स जीरो 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 सिक्स। अब इसको सोल्व करना है तो कितना हो जाएगा, सिक्स और फाइव इलेवन, इलेवन में से टेन गए, कितना बचेगा वन, ये कितना हो गया माइनस वन, और माइनस फाइव और टू कितना हो गया बच्चों माइनस थ्री, टू सॉरी ये बचा कितना माइनस वन, माइनस टू हो गया सेवन यानी कि माइनस वन,
और माइनस 15 में से गए तो माइनस 10, ठीक है। अब इसका नंबर है 0, तो ये बचेगा माइनस 5, 5 में से 1 गए 4 और 4, तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए क्यूब, ठीक है भाई। सबसे पहले ए स्क्वायर निकाला, इसी की मल्टीप्लाई इसी में करी, 2 0 3 1 0 2 0 2 1 2 0 3 1 into 1 1 0 into 0 0 2 2 4 1 into 0 0 0 into 2 0 2 into 0 0 1 into 2 2 0 3 2 6. अब इसका नंबर आता 0 into 1 0 2 into 0 0 1 into 2 2 0 into 0 0 2 2 4 1 into 0 0 0 into 2 0 2 into 1 2 plus 3 2 into 1 2 1 into 3 3 2 into 1 2 0 3 2 6 2 into 0 0 0 into 2 0 3 into 0 0. अब इसका अंदर आता 2 2 ज़ा हमारे हो गए 4 plus 0 plus 9, तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर कितना आ गया 5 0 8 2 4 5 8 0 and 13, ठीक है भाई। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकाल रहे हैं ए क्यूब। तो ए क्यूब में क्या करना है, इसी की मल्टीप्लाई कर देनी है, इसी की मल्टीप्लाई किस में करनी है, ए में, यानी कि 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 5 into 1 5 0 into 0 0 8 2 16, फिर 5 into 0 0 0 into 2 0 8 into 0 0, तो तीनों ही हमारे क्या आ गए, 0 आ गए। अब देखते हैं अगला, 5 into 2 10, 0 into 1 0 8 3 24। नेक्स्ट पर देखते हैं 2 into 1 2, 4 into 0 0 5 into 2 10, 2 into 0 0 4 2 8, ठीक है भाई बच्चों। अब देखते हैं आगे, 2 into 2 4 4 into 1 4 and 5 3 15, अगले पाते हैं 8 into 1 8, 0 into 0 0 3 2 13 2 26, 8 into 0 0 0 into 2 0 13 into 0, सारे के सारे 0 हो गए, 8 into 2 16, 13 3 9, तो ये हो गया 21 0 34 12 8, तो 4 और 4 कितने हो गए 8, और 15 23 34 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा 55। अब वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू रख दी 21 0 34 12 8 23 34 0 55 प्लस ए स्क्वायर, मैंने 6 से मल्टीप्लाई करनी है इसमें, तो कर दिए, कितना आ जाएगा माइनस के 30 0 माइनस के 48, माइनस 6 into 2 minus k 12 minus k 24 minus k 30 minus k 48 0 और minus k 78, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास है 7a, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 into 1 7 0 14 0 14 7 14 0 21, और अब आ गया 2i,
तो आई हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 100010001, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 200020002। अब देखो इसको तो कितना आ रहा है, 21 और 7 कितने हो गए 28 और 2 30, 30 में से 30 गए 0, पहला एलिमेंट 0, बाकी सारे इस पर एलिमेंट सारे 0 है। अब देखो 34 और 14, 48 और 48 में से 48 गए 0, 12 में से 12 गए 0। अब आते हैं इस पर, तो ये 24 है, तो 14 और 2 16 और 8 24, ये भी कितना आ गया बच्चों 0, 23 और 7 30, ये भी कितना आ गया 0, 34 और 14 48, 48 में से 48 गए 0, इसमें सारे एलिमेंट 0 हैं, 55 और 21 कितने हो गए, ये हो गया 76 और 2 78 0। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रूव हो गया कि भाई ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 इक्वल टू क्या है 0 है। तो ये हमारा 16 क्वेश्चन हुआ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो हमें सेम बिल्कुल ऐसे ही एक मैट्रिक्स गिवन है और वहां से हमें के की वैल्यू निकालनी है, ये आपका 3 4 -2 -2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 1 और हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2 i, ये हमें के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर 3 -2 4 -2 3 -2 4 -2 मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 3 3 9, -2 × 4 -8, 3 2 -6 + 4, 4 3 12 - 8, 4 2 and 2 2 4। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो 9 में से 8 गए हमारा हो गया 1, -2 4 -4 ये हमारे पास आ गई। अब हमें क्या निकालना है, के ए माइनस टू आई हमें दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करें, इसकी वैल्यू निकालते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, के ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू आई, ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख दी 1 -2 4 -4 प्लस 2 i, मतलब 2 0 0 2, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, तो हमारे पास आ गया 2, अब दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और ये हो गया -2 4 -2, तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सेम आ गया है, तो k की वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे तो कितनी आएगी 1, ये हमारा कितना था 17 क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 18 क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से। 18 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास है, a इज इक्वल टू 0 - k tan α/2 tan α/2 0, और i हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें शो करना है सो दैट i प्लस ए i माइनस ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है भाई बच्चों, अब इसको देखते हैं, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड i प्लस ए, ये हमें निकालना है, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 और ए हमें दिया हुआ 0 tan α/2 tan α/2 0, तो
क्या करा है इसको सबसे पहले ऐड कर देते हैं, तो 1 और 0 1 माइनस के tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 एंड 1। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड अगर देखो तो सबसे पहले हमें मैं निकाल रहा हूं i माइनस a, तो सबसे पहले अगर i माइनस a देखें तो i की वैल्यू कितनी है 1001 माइनस 0 माइनस के tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 0। ये हमारे पहले माइनस करने हैं, जो भी आएगा उसकी फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कोस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है भाई, तो देखते हैं सबसे पहले, तो वन में से जीरो गए वन, जीरो में से माइनस टेन अल्फा बाई टू गए तो टेन अल्फा बाई टू, फिर जीरो माइनस टेन अल्फा बाई टू और वन में से जीरो गए वन। इसको ऐसे लिख दिया, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, वन इंटू कोस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा। ठीक है बच्चों, वन इंटू माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा टेन अल्फा बाई टू। अब इसका नंबर आता है माइनस के टेन अल्फा बाई टू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू प्लस कोस अल्फा, ये हमारी मल्टीप्लाई हो गई। अब क्या करें, हम टेन को साइन और कोस की फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं इसे लिख सकता हूँ साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू साइन अल्फा, इसको भी लिख सकता हूँ साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर इसको भी लिख सकते हैं साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू साइन अल्फा साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू प्लस कोस अल्फा, लिख सकते हैं ऐसे। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कोस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा, ऐसे इधर माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू कोस अल्फा साइन अल्फा बाई टू, ऐसे हम इसमें ले सकते हैं एलसीएम माइनस के साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू, इधर भी एलसीएम ले लो साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू। अब देखो, आप फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, हमारे पास ये देखो, ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी, कितना हो जाएगा कोस ए माइनस बी। अगला देखो, हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी ऐसे इसमें बन जाएगा फॉर्मूला हमारे पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और ऐसे ही इसमें बन जाएगा साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी साइन सॉरी कोस ए माइनस, ये बन गया। अब आप ये ऊपर वाला मैं हटा सकता हूँ, इतना पोर्शन
अब देखो कोस ए माइनस यहाँ बचेगा कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, कोस अल्फा बाई टू से कोस अल्फा बाई टू गए तो कितना आ जाएगा वन, ये आ गया वन। इसमें बचेगा माइनस का साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू, और यहाँ पर भी साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू, ये भी कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर आ गया फाइनल वन माइनस टेन अल्फा बाई टू और वन सॉरी टेन अल्फा बाई टू वन। तो ये और ये आपके बिल्कुल क्या आ गए हैं सेम। तो ये हमारा क्वेश्चन था, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। हमारे पास 30,000 रुपीज़ हैं, उसको हमें दो पार्ट में लेना है, एक मैं एक्स ले लेता हूँ दूसरा 30,000 माइनस एक्स। उसमें हमारे पास दो परसेंटेज दिए हैं 5 और 7। उन परसेंटेज के हिसाब से हमें 1800 और एक बार मिलते हैं, इतना तो हमें निकालना है, टोटल अमाउंट कितना होगा। ठीक है भाई, तो एक मैट्रिक्स बना लेते हैं इसका, और एक मैट्रिक्स बन जाएगा परसेंटेज का, और ये हमें दिए हुए हैं 1800। ठीक है भाई, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, तो इसकी मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 5x अपॉन 100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इज इक्वल टू। ठीक है भाई, एलसीएम ले सकते हैं सिंपल, 5x 7 × 3 = 21 माइनस 7x इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया, 7 हो गए कितने हो गए 210000 माइनस 2x, तो ये आ गए आपके, तो 2x इज इक्वल टू 21 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, 1, 2, 3, 4, तो x की वैल्यू आ गई 15,000। ठीक है भाई, तो x हमारे पास 15,000 है, दूसरा भी 30 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 15। दूसरे पार्ट में हमें दिए हुए हैं 2,000। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट देखते हैं, x है 5/100 7/100 और ये है हमारे पास 2,000। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 100 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इज इक्वल टू 2,000। बस यहाँ पर 1800 था, वहाँ पर 2,000 हो गया। एलसीएम लेते हैं 5x 7 × 3 = 21 माइनस 7x, ठीक है, अब 7 में कितने बचेंगे माइनस के 2x, ठीक है भाई, अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 2x, कितना बचेगा, तो यहां से हमारे पास ये है, तो ये हमारे बचेंगे 10, तो x की वैल्यू आ गई 5,000। तो एक अगर 5,000 है तो दूसरा 25,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 20 क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो 20 क्वेश्चन में हमारे पास 10 डोजन केमिस्ट्री बुक्स दी हुई हैं, तो वो हो जाएंगे 120, 8 डोजन हमें दी हुई हैं फिजिक्स और 10 डोजन हमें दी हुई हैं इकोनॉमिक्स, और उनकी जो कॉस्ट है वो 80, 60 और 40 है, तो कितना आएगा 12 × 8 = 9600, 96 × 60 तो 6 × 6 = 36, 9 × 6 = 54 और 3 = 57 प्लस 4800। सिंपल आप उन्हें ऐड कर दीजिए तो 9 6 5 7 6 0 4 8 00, तो 6 8 और 7 15 15 और 6 21, तो ये आ गया आपका कितने रुपीस 2160। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक एक्स मैट्रिक्स है, एक वाई है, एक जेड है, एक डब्ल्यू है और एक पी है, इसकी ऑर्डर दी हुई है 2/n
इसकी 3 by k, 2 by p, n by 3, p by k. और हमसे पूछा है, the restriction on n kp so that p y plus w by. अब हमें इसमें conditions पूछी है, ठीक है भाई देखते हैं. p by, आपको दिखाई दे रहा है p, p की order कितनी है, तो p अगर matrix देखेंगे, उसकी order है p by k. और y की है 3 by k. तो ये मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब ये दोनों क्या हो बच्चों, इक्वल हो. तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3. अब w उसकी ऑर्डर है n by 3 एंड y उसकी है 3 by k. ये तो फिर ठीक है, यानी जो यहां से मिलेगा वो आएगा हमारा p by k का, और ये जो आएगा ये आएगा n by k. तो p और n भी क्या होने चाहिए, इक्वल हो, तभी इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों की ऑर्डर सेम हो. देखते हैं नेक्स्ट 22 क्वेश्चन में हमें गिवन है कि n is equal to p है, हमसे 7x minus 5z is, ये पूछा है, यानी इसकी ऑर्डर पूछी है, इसकी ऑर्डर क्या होगी. ठीक है भाई, इसकी अगर ऑर्डर की बात करें तो आप देख सकते हैं x की ऑर्डर क्या है, 2 by n है, और z की ऑर्डर क्या है, तो 2 by p है. ठीक है भाई, ये माइनस तभी हो सकता है जब n और p क्या हो, इक्वल हो. तो इसकी ऑर्डर को हम क्या लिख सकते हैं, या तो 2 by n लिख दें या 2 by p, दोनों में से किसी को भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा b. ठीक है बच्चों, तो ये हमारी थी एक्सरसाइज, कंप्लीट होती है 3.2. देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.